सो हे बहनों को भाइयों, कैसे हो आप सभी। तो और एमी वनडाई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो अपनी मॉनसून ईपी जो उनकी चल रही है उसकी फाइनली ट्रैक लिस्ट आउट कर दी है, जिसमें टोटल हमारे 5 ट्रैक है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस ट्रैक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले भाई मैं ये बता दूं, जैसे एमी वनडाई ने अपनी मॉनसून ईपी अनाउंस करती उस टाइम पे हमने भाई वाली वीडियो निकालती और हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि इस ईपी में हमें कैसे कैसे ट्रैक्स देखने को मिल सकते हैं, क्या वाइब देखने को मिलेगी, क्या जोंडा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रिडिक्ट करी थी या फिर कह सकते हैं हमने गैस करी थी कि क्या क्या देखने को मिलेगा। और अभी फाइनली ये जो मॉनसून ईपी जो रन हो रही है वो उसी फॉर्मेट पर रन होगी जो कि हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये वाली वीडियो चेकआउट करनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर हम बात करें अब इस ईपी के बाकी ट्रैक लिस्ट के बारे में, तो ट्रैक लिस्ट देखने के बाद भाई मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज आई, यार ये तो एमी वनडाई की ईपी होने के साथ साथ तो यंग गालिब की भी ईपी है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये सवाल आया जो कि काफी लोगों के आया, क्या यंग गालिब इतने सारे कोलैब्स इस ईपी में डिजर्व करते हैं? तो यार इसका सिंपल सवाल है, जी हाँ जरूरी है यंग गालिब। क्योंकि यार तुम सबको पता है यंग गालिब कितना ज़्यादा डोप आर्टिस्ट है, उनका जोन रहा होता है और वो जो उनका जोन है वो किस बेसिस पे है वो सब हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमने बंटा रिकॉर्ड से यंग गालिब के काफी सारे गाने सुने और आप सभी ने पहले भी सुने ही होंगे। तो भाई जैसे कि हमारी ईपी है मॉनसून ईपी, एकदम सॉफ्ट मेलोडी में जा रही है। जैसे कि हमने अभी बीजी गाना सुना था, उसके बाद भूल जा गाना सुना था, तो दोनों में अगर वाइब की बात करें तो वाइब में मेरे को जो भूल जा गाना था वो काफी ज्यादा अच्छा लगा बीजी के मुकाबले। लेकिन जो का जो मतलब इस ईपी में हमें अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि भूल जाए में हमें एक न्यू फॉर्मेट देखने को मिला गाने का, जिसमें हर आर्टिस्ट आके दो दो ट्रैक्स बोलता है, जिसमें हमें न्यू इंट्रोड्यूस हुए एक आर्टिस्ट जिस आर्टिस्ट का नाम था बैंस, जिनको मैंने पहली बार सुना था, जो कि शायद तमिल या तेलुगु में रैप कर रहे थे। और फिर उसके बाद मेरे को पता लगा कि एमी वनडाई की जो मॉम है वो भी तमिल से रिलेट करती है और वो हिंदू धर्म की थी। तो ये चीजें मेरे को उस ट्रैक के बाद पता लगी जब मैंने कमेंट सेक्शन रीड किए कि भाई एमी वनडाई की मॉम तो तमिल से, तो एमी वनडाई को वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं आती होगी, इसलिए भाई वो ने उस ट्रैक में मतलब उस लैंग्वेज में रैप किया या फिर लाइंस लिखी। लेकिन भाई अब बात करते हैं हम बाकी ट्रैक्स के बारे में। तो यार देखो, हमने बीजी ट्रैक तो सुनी लिया, झूल जा गाना भी सुन लिया, जिसमें हमारे यंग गालिब दोनों ही ट्रैक में थे। और भाई यंग गालिब का बेसिकली कोई फीचरिंग नहीं, ये सीधा सीधा कोलैब है इन ट्रैक्स में। लेकिन उसके बाद हमें और तीन गाने देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमारा जो तीसरा गाना होने वाला है वो है कुछ और। लेकिन इसके आगे बढ़ने से वाले भाई मैं बता दूं कि ये जो ईपी है वो हमें 9 सितंबर को देखने को मिल जाएगी, जो कि अभी के लिए थोड़ा सा लेट है, क्योंकि भाई हमें ऑलरेडी इसके दो गाने मिल चुके हैं, वो भी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो के साथ। और हो सकता है कि 9 सितंबर से पहले हमें एक दो गानों की और जो है वो म्यूजिक वीडियो देखने को मिल जाए एमी वनडाई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और 9 सितंबर को पूरी ईपी आउट हो जाएगी। वैसे तो मेरे को एमी पे भरोसा है कि वो इस ईपी के सारी म्यूजिक वीडियोस लाएंगे। तुम बता देना तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि म्यूजिक वीडियो आएगी नहीं आएगी, क्योंकि यार एमी वनडाई की मेरे को पता है बेस्ट चीज क्या लगती है, एमी वनडाई का रैप भी हटा दो, एमी के वोकल्स लिरिक्स सब हटा दो, एमी वनडाई की जो म्यूजिक वीडियो होती है मेरे को वो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। क्योंकि यार एक तो उनका लोकेशन इतनी सही होती है और जो वी ब्रेक भाई काम करते हैं भाई, मतलब एकदम चुम्मा काम यार, सीरियसली मजा आ जाता है, लोकेशन से मजा आ जाता है भाई सीरियसली। जो शॉट्स होते हैं और जो भूल जा गाने में शॉट दिखाता है ड्रोन का, जिसमें मतलब चारों आर्टिस्ट खड़े हुए, वो जो ड्रोन का शॉट था भाई वो इतना ज्यादा सिक लग रहा था उस म्यूजिक में, आई कांट एक्सप्लेन सीरियसली भाई। बिग शाउट आउट टू वी ब्रेक भाई। और उससे पहले हमने मीमैक्स और मिंटा का भी गाना सुना था, जिसपे वी ब्रेक ने VFX एंड CGI का काम किया था, वो भी बहुत ज्यादा सीखता है, उसका भी रिएक्शन चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसी भी के तीसरे गाने के ऊपर, जिस गाने का नाम है कुछ और इसमें हमें आर्टिस्ट मिलेंगे कोलैब में, उन आर्टिस्ट का नाम है वक्ष। तो यार इनका काम मैंने बेसिकली एमी वनडाई की जब डिस्क्रिप्शन आके रीड करता तो बेसिकली वीडियो एडिटिंग या फिर शूट में दिखता है, लेकिन अब वो एज पर आर्टिस्ट दिखे हमें इस गाने में, क्योंकि मैंने इससे पहले इस आर्टिस्ट को कभी भी रैप में या मतलब ट्रैक्स में नहीं सुना है ना, मैंने एक्सप्लोर किया, तो हमें एक और नए आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे और हमें इनका काम देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हमें इसी का चौथा ट्रैक देखने को मिलेगा, जिस ट्रैक का नाम है चेंज, जिसमें हमें दोबारा से देखने को मिलेंगे एमी वनडाई और हमारे यंग गालिब। और इसकी मेरे को इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस गाने से, क्योंकि गाने का नाम ये चेंज, तो तुम्हें इससे पता लगता है भाई कि हमें क्या वाइब और कैसे कैसे वर्ड्स देखने को मिले। चेंज यार हमें थोड़ा मोटिवेशनल वाइब इस ट्रैक में देखने को मिल सकती है और थोड़ी थोड़ी लव वाइब भी होगी, जो कि बेसिकली एक एक्स या फिर एक छोड़े हुआ पार्टनर दोस्त के ऊपर हो सकती है, कि कैसे हम बदले हैं कैसे नहीं बदले, कैसे हालातों ने हमें बदला, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस ट्रैक में हमें वैसी वाइब देखने को मिल सकती है। और भाई हाँ, हम इन सारे ट्रैक का रिएक्शन करेंगे, जैसे कि हम एमी वनडाई के सारे रिएक्शन करते आ रहे हैं टाइम टू टाइम, जाके अपने भाई हमारे चैनल पर देख लेना, आपको रिएक्शंस मिल जाएंगे ऑल ऑफ टाइम के एमी वनडाई के जो कि जितने भी रिसेंटली हैं ट्रैक्स के। और उसके बाद भाई फाइनल ट्रैक जो कि मेरा शायद से मोस्ट लव ट्रैक रहने वाला है इस ईपी से, जिस गाने का नाम है यकीन, जो कि दोबारा से एक मोटिवेशनल ट्रैक के रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन इस ट्रैक में भाई हमें फीचरिंग मिलेंगे मी मैक्स और यंग गालिब, दोबारा कह रहा हूँ फीचरिंग बस एक कहने को, लेकिन फीचर नहीं है, इन तीनों का कोलैब है, एमी वनडाई यंग गालिब और हमारे मी मैक्स भाई। और मी मैक्स भाई भी आजकल बहुत ज़्यादा सही गाने बना रहे, रिसेंटली मैंने उनके जितने ट्रैक सुने वो काफ़ी ज़्यादा सही वाइब देते, एक मेलेडी वाइब देते। और ये इस गाने का नाम जैसे कि यकीन, तो भाई जैसे कि मैंने बोला कि मोटिवेशनल वाइब देखने
को मिलेगी, तो भाई लेट्स सी मजा आ जाएगा। और हमें पता है भाई एमी वनटाइन जब ऐसे गाने बनाते तो उसमें मोटिवेशन बहुत अच्छी लगती है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलते हैं एमी वनटाइन के गानों से। और एमी वनटाइन ने 8 साल जो एल्बम का साइड आया था आई डोंट नो यार उसका साइड भी कब आएगा, तो उसमें भी हमें काफ़ी मोटिवेशनल ट्रैक देखने को मिले थे जो कि हमें भाई डायरेक्टली मोटिवेट करते हैं, फिर इंस्पायर करते हैं हमारे रियल लाइफ से। और आई होप यार हमें जो एल्बम है उसका साइड भी जल्द से जल्द देखने को मिले, क्योंकि अभी तक उसकी कोई भी ना लीक है ना कुछ भी, मेरे ख्याल से अभी तक उसके ट्रैक डिसाइड नहीं हुए कि कौन कौन से ट्रैक आने चाहिए कौन कौन से नहीं आने चाहिए। तो लेट्स सी भाई कब देखने को मिलेगी कब नहीं देखने को मिलेगी, थोड़े से मेरे ख्याल से ज़्यादा ही डिले हो रही है, जल्दी ड्रॉप आउट कर देनी चाहिए थी। बट अब हम ऑल ओवर बात करते हैं ईपी के बारे में। तो भाई तुम मेरे को कमेंट्स में बताना तुम्हें ईपी से क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम्हें कैसी ईपी लग रही है अभी तक जितनी चल रही है। और भाई मेन बात करते हैं इस ईपी के पोस्टर के बारे में। तो यार पोस्टर काफ़ी से सिंपल है, लाइक मैं एमी वनटाइन से शिकायत नहीं कर रहा, मैं यार बाकी सारे आर्टिस्ट से शिकायत कर रहा हूँ जितने भी आजकल काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में इंडियन हिप हॉप में, ठीक है। मतलब आजकल वो ट्रेंड गया यार, तुम्हें पता है एक टाइम पे ट्रेंड चल रहा था जो कि मतलब कवर आर्ट्स बन रहे थे तो उन पे हिडन डिटेल्स दी जाती थी, उनमें हमें ईस्टर एग्स दिए जाते थे कि हाँ भाई ये देखने को मिलेगा, या फिर कोई मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, लाइक हमें सीधे मौत का ही कवर आर्ट, या फिर मतलब एक ट्रेंड सा चल गया था। जैसे अभी रिमिक्स का ट्रेंड चल रहा है ना, उस टाइम पे कवर आर्ट का ट्रेंड चल रहा था जिसमें हमें ऐसी चीज़ देखने को मिलती थी जिसमें कवर आर्ट में हमें ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि धीरे धीरे ट्रेंड वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। और भाई बेला की लाइन याद है ना, तुम्हें कवर आर्ट के पीछे दुनिया गाली देना सीखी है, मतलब एग्जीबिशन लगी है क्या भाई, ठीक है। तो भाई ऑल ओवर वीडियो को करते हैं टर्न ऑफ, तुम अपने व्यूज़ मेरे को कमेंट्स में बता देना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और तुम अपने व्यूज़ बता देना एमी वनटाइन के लिए, यंग गालिब के लिए, मी मैक्स के लिए, ईपी के ट्रैक्स के लिए, सारी चीज़ों की बातें भाई कमेंट्स में करना, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।